नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर जो कश्मकश बनी हुई थी उस पर अब स्थिति साफ हो गई है। महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। ब्रेक द चेन मुहिम छेड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर कदम रखें। और क्या क्या पाबंदी लगाई गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी, पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री को भी लगा बड़ा झटका। आखिरकार पूरे महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर ही दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों जैसा कर्फ्यू की घोषणा की है। हालांकि मुंबई उपनगरीय ट्रेनें और सिटी बसें चलती रहेंगी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छूट दी जाएगी। 14 अप्रैल की रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 भी लगा दी जाएगी। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी। क्या खुला और क्या बंद, केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल आदि बंद रहेंगे, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले 1 महीने के लिए 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे कर्फ्यू से फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस के मामलों पर रोक लगाने के लिए जुड़े दिशा निर्देशों के तहत राज्य में फिल्मों, टीवी सीरियलों और विज्ञापनों की शूटिंग भी स्थगित रहेगी। आदेश से उन शूटिंगों पर रोक लगा दी गई है जो बार बार कोविड जाँच और भीड़ वाले दृश्यों से बचने जैसे एहतियातों के साथ चल रही थी। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार का फैसला एक बड़े झटके के तौर पर आया है। इसी वजह से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की गुड बॉय, शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर 3 समेत कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग प्रभावित होगी। किसके लिए क्या ऐलान, निर्माणधीन कार्यों में लगे मजदूरों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद दी जाएगी। परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500-1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आदिवासियों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें, महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों की मौत हुई थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 35,19,208 हो गई है, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। वहीं मुंबई में 7,883 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 मरीजों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि अब जिस तरह से महाराष्ट्र में पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उससे वहां के मजदूरों का पलायन भी पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन उम्मीद है कि इन पाबंदियों से ब्रेक द चेन मुहिम को बड़ी सफलता मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।